और गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अहमदाबाद में घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। नवसारी में 262 mm बारिश दर्ज की गई। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त सड़कों पर चलने वाले जो वाहन हैं वो डूबे हुए चल रहे हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, भारी बारिश हो रही है गुजरात के कई इलाकों में। और गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहाँ सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया में तब्दील होती नजर आ रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से बारिश के बाद तमाम इलाकों में बुरा हाल। दूसरी तस्वीर आपको नवसारी की दिखा रहे हैं, यहां पर भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बारिश हो रही है और गुजरात के दो इलाकों की तस्वीरें, दो शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं, एक अहमदाबाद और दूसरी नवसारी की तस्वीर। तो गुजरात के कई इलाकों में आज भी जमकर बारिश हुई। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां बादल किस कदर बरस रहे हैं। सड़कों पर जलभराव है, अंडरपास में पानी भर चुका है। तमाम परेशानियों के बीच आम लोग जलभराव के बीच जूझते नजर आए। लोग आफत की बारिश से बचने की कोशिश करते देखे गए। गुजरात में आफत की बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न हो गए और राज्य राजमार्ग एवं गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अवरुद्ध हो गईं। भारी बारिश से उत्पन्न हुए बाढ़ जैसे हालातों के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी से बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिन गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। अहमदाबाद में लगातार बारिश से जिंदगी पर ब्रेक सा लग गया है। कई इलाकों में सड़कें दरिया बनी हुई है। तो गुजरात में आई बाढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। हर तरफ सैलाब की मार, सड़कों पर दरिया, जिंदगी पर बारिश से लगा ब्रेक। तस्वीरें गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की हैं। अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अहमदाबाद के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। सड़कें बारिश के पानी से लबालब भरी हैं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अहमदाबाद में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी। ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं। देर रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में 17 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और प्रशासन की मुस्तैदी से 10 लोगों को बचा लिया गया। कई लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तलाशी अभियान में NDRF और SDRF की टीमें लगाई गई हैं। तो गुजरात में आई बाढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार कदम उठा रहे हैं। अमित शाह ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से बात की। उन्होंने बाढ़ बारिश से खराब हुए हालात की डिटेल जानकारी ली है और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है।